हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना में कुछ वैकेंसी आया है। एक काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप examsu.in को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एम्स में एक नया वैकेंसी आया है, जो ये वैकेंसी अभी बिल्कुल 11 तारीख को आया ही है, ये मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ। बट आप इसको एम्स के जो वेबसाइट है, ये एम्स का वेबसाइट है, ओके, आप एम्स पटना से डायरेक्टली से ओपन कर सकते हो। और ये देखो, ये है 13562 नर्सिंग ऑफिसर 2019 रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 फॉर हॉस्पिटल सर्विस एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस। तो January 11, 2020 को देखो, ये पब्लिश डेट है, ओपन डेट है January 11, 2020 और क्लोज डेट February 12, 2020। मतलब ये February 12 तक ये वैकेंसी ओपन रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका देखो डाउनलोड, यहाँ से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहीं से क्लिक करके मैंने ये नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है, ओके। और अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये अप्लाई का बॉक्स आ जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके बात कर सकते हो, मेल भी लिख सकते हो और रजिस्टर करके यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और जो ये एडवर्टीजमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देखकर ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ आके चल के पहले समझ लेते हैं मोटा मोटी है क्या, फिर आप इसे अप्लाई करना। तो देखो, सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टाफ नर्स ग्रेड 2 फॉर हॉस्पिटल सर्विस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो ये जो है नर्सिंग ऑफिसर की बहाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे, ओके। क्या बोलता है ये आगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड टू का ये नौकरी है फॉर हॉस्पिटल सर्विस एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डिटेल ऑफ द पोस्ट इज एज फॉलो। तो जो डिटेल्स है ये नीचे दिया हुआ है। तो ये ग्रुप बी का है, ओके, ग्रुप बी का जॉब है ये। नेम ऑफ द पोस्ट, पे बैंड एंड द ग्रेड, पे ऑफ एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सब क्या है देखो, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का है, Level 7, इन पे मेट्रिक्स आर ₹44,900 to ₹1,42,400, ₹93,000 with GDP previously। तो ये देखो, ये इसका बैंड है, ओके। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 206 है, फीमेल के लिए 185 है, मेल के लिए 21 है। तो महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है, 185 वैकेंसीज हैं और मेल के लिए 21 ही है, ओके। और प्रोसेस जो है रिटन एंड स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसको क्वालिफाई करना होगा, ओके। ये जो इतना पोस्ट है, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी, पीछे का भी कुछ वैकेंसीज है, 81 EWS 20 OBC 54, ये इंक्लूडिंग PW। तो डिटेल्स अबाउट PW पैरा 10 में ये डिटेल पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे कि क्या है डिटेल्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BSc नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए नर्सिंग ऑनर्स में, BSc नर्सिंग इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से BSc नर्सिंग का डिग्री चाहिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, या इसके अलावा क्या है, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, BSc बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या है, रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, यहाँ से कहीं से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या कॉलेज से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या और भी क्या ऑप्शंस हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड फेयर फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड अ मिड वाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। दूसरा है, तीसरा है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए वैसे हॉस्पिटल में जिसमें कम से कम 50 bed हो, ओके, और ये डिप्लोमा वगैरह ये हो। तो मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन हो, BSc नर्सिंग हो, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के बाद यहाँ पे हम एज देखते हैं। एज जो है वो 21 to 30, 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन वगैरह कैटेगरी के लोग हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन वगैरह भी होगा,
देखो जन नीचे दिया हुआ, देखो एप्लीकेशन फी डिस्कस कर लिया हमने, एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाई एम्स पटना फॉर डिटरमाइनिंग द एज। तो कहने का मतलब है कि जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी एज मेंशन होगा ये उसी को कंसिडर करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे। और नीचे दिया हुआ है कितना किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST OBC PWD, तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जम्मू कश्मीर वालों को लिए भी कुछ है, तो ये अलग अलग यहाँ पे है, बहुत सारा है, आप इसको एक बार पढ़ के देख लो। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, किनको क्या रिलैक्सेशन मिलता है वो आप यहाँ पे देख लो, सारा कुछ पढ़ लो, क्योंकि बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा नहीं, आप देखो, देखने के बाद जो समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे सर हमारे टीचर आपको बताएंगे। ओके, यहाँ अलग अलग लोगों अलग अलग कैटेगरी का बात दिया हुआ है, ये सारा है। इसके बाद देखो ये गाइडलाइन है, एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है, क्या क्या है उसमें, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सब आप देख लो, क्योंकि ये नर्सिंग में आपने पढ़ा ही होगा ये सब देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का टॉपिक वगैरह है, ये सब सारा कुछ है। हाँ, मेन जरूरी बात यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नीचे क्या, ये तो आप टॉपिक है सब्जेक्ट है आप देख लेना। ऑनलाइन CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये पेपर पे नहीं होगा, कंप्यूटर पे होगा। और यहाँ पे देख लो डेट ऑफ ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन, 23rd फरवरी 2020 संडे, संडे को होगा, कहाँ पे होगा, मेजर सिटीज़ इन इंडिया, तो इंडिया के जितने भी मुख्य शहर हैं सब जगह ये होगा, तो देखो सब जगह होगा। अब क्या कहाँ कहाँ सेंटर है वो जैसे आप अप्लाई करोगे आपके एडमिट कार्ड में आपको पता चल ही जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो ये तो एग्ज़ाम के बाद सारा कुछ होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह, तो कैसे कैसे है ये सारा बहुत कुछ है, इस पे डिटेल एक बनेगा, लेकिन फिलहाल तो आपके लिए ये न्यूज़ की बात यही है कि ये एम्स में ये न्यूज़ मतलब ये वैकेंसी आई है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मोटा मोटी बात ये है कि आपका एज 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, कुल 203 वैकेंसी है, ये सारा क्वालिफिकेशन है, ये पे स्केल है, अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ 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 अप्लाई करो, एम्स में जॉब करने का एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही रुतबा है। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो, इस तरीके के बहुत सारे अपडेट और न्यूज़ आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।